हेलो बच्चों, नवांको डिजी लेसन्स क्लास में मैं वंदना भार्गव आपका फिर से स्वागत करती हूं। जैसा कि आप सभी को पहले बताया था, हमने पिछले वीडियो में पार्ट 7 को पढ़ा और चूंकि पार्ट बड़ा था इसलिए इस पार्ट को मैंने दो भागों में किया। पहले पार्ट में पूरे पार्ट का अर्थ समझाया है और दूसरे भाग में इसके प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं। विश्व भारतीयम, इस पाठ के अब हम प्रश्नोत्तर करते हैं। तो पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखिए, एक शब्द में उत्तर देना है आपको। तो इसका पहला प्रश्न है, संस्कृत भाषा भारतीय भाषा बे गंगा नदी अस्ति इति कह उक्तवान। संस्कृत भाषा भारतीय भाषाओं के लिए गंगा नदी है, ऐसा किसने कहा है? तो किसने कहा था ये गंगा नदी है? महात्मा गांधी ने। तो आप लिखेंगे महात्मा गांधी ही, और जैसा बुक में लिखा है सेम टू सेम वैसा ही लिखना है। आप अपने हिसाब से हिंदी जैसा उसे नहीं लिखेंगे। महात्मा गांधी विसर्ग लगाएंगे और पूर्ण विराम लगाएंगे। अगला, भारत से प्रथम प्रधानमंत्री कह आसीत, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो आप सभी जानते हैं और पाठ में भी दिया हुआ है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू में विसर्ग लगा लेंगे आप सभी लोग। अगला प्रश्न है, वैयाकरणेषु पूर्णः सर्वमान्यश्च कहा। वैयाकरणों में, व्याकरण मैंने आपको पाठ पढ़ाते समय बताया था, व्याकरण किसे कहा जाता है? जो व्याकरण की रचना करता है। तो व्याकरणों में पूर्ण और सर्वमान्य कौन है? पाणिनि। तो आप प्रश्न का उत्तर बुक में से देखकर लिखें, पाणिनि ही। प में बड़ा की मात्रा, ण में छोटी की मात्रा और न में भी छोटी की मात्रा और विसर्ग और पूर्ण विराम, पाणिनि ही। भारतीय एकता साधकम किम, अगला प्रश्न है, भारतीय एकता साधकम किम, भारतीय एकता का साधक क्या है? तो क्या है? विश्व बंधुत्वम, क्या लिखेंगे? सॉरी, भारतीय एकता साधकम किम, भारतीय एकता का साधक कौन है? तो संस्कृत। तो किम के स्थान पर केवल क्या लिख देना है आपको? संस्कृतम। अगला, संस्कृतम कस्याः भाषायाः अपेक्षया अधिकम समृद्धम, संस्कृत किस भाषा की अपेक्षा अधिक समृद्ध है? तो पाठ के आखिरी पैराग्राफ में हमने पढ़ा था इसको, लास्ट सेकंड पैराग्राफ में, कि संस्कृत भाषा किस भाषा की अपेक्षा अधिक समृद्ध है? लैटिन भाषा याह। तो कस्याह के स्थान पर क्या आ जाएगा? लैटिन भाषा याह। एक पद के उत्तर समाप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, एक वाक्य न उत्तरम लिखत। तो पहला है, संस्कृत भाषा कस्य पोषणम करोति, संस्कृत भाषा किसका पोषण करती है? तो कस्य के स्थान पर आप पाठ में आखिरी श्लोक जो दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है विश्व बंधुत्वस्य, वहाँ पर विश्व बंधुत्व संपोषकम एक साथ लिखा हुआ है और आपको कस्य जिस विभक्ति में प्रश्न होता है उसी विभक्ति के आधार पर उत्तर देना है। तो कस्य के स्थान पर आ जाएगा विश्व बंधुत्वस्य, पूरा उत्तर लिखेंगे, संस्कृत भाषा विश्व बंधुत्वस्य पोषणम करोति। अगला प्रश्न है, सर्व प्राचीना भाषा का अस्ति, सबसे अधिक प्राचीन भाषा क्या कौन सी है? तो कौन सी है? संस्कृत भाषा। तो क के स्थान पर या तो आप संस्कृतम लिख लेंगे या फिर संस्कृत भाषा लिख लेंगे। अगला प्रश्न है, श्री माता संस्कृत विषय किम कथयति, श्री माता संस्कृत के विषय में क्या कहती हैं? तो प्रश्न के अनुसार लिखेंगे पहले हम, श्री माता संस्कृत विषय कथयति, यत डैश लगाएंगे और डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। बच्चों पेज नंबर 31 पर इसका उत्तर दिया हुआ है, 31 पर ऊपर से थर्ड नंबर पर जो आचार्य लिखा हुआ है और उसकी सेकंड लाइन, संस्कृत मेव राष्ट्रभाषा भवितुम अर्हति, डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद करेंगे और इति लिखेंगे और पूर्ण विराम लगाएंगे। पूरा उत्तर कैसे लिखेंगे? श्री माता संस्कृत विषय कथयति यत डैश लगाएंगे और फिर संस्कृत मेव राष्ट्रभाषा भवितुम अर्हति, डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद, इति पूर्ण विराम। अगला प्रश्न है, मैक्स मूलर संस्कृत विषय के मुक्तवान, मैक्स मूलर ने संस्कृत के विषय में क्या कहा है? तो मैंने आपको पाठ पढ़ाने के दौरान ये बताया था कि ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा और ये परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही आईएमपी है। तो देखें, पहले प्रश्न के अनुसार हम लिखेंगे, मैक्स मूलर संस्कृत विषय उक्तवान, किम हटा देंगे यहाँ से, उक्तवान यत, तो में हलंत लगाएंगे, डैश लगाएंगे और डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। पेज नंबर 32 पर सबसे ऊपर की लाइन में दिया हुआ है, संस्कृतम विश्वस्य महत्तमा भाषा अस्ति, डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद, इति पूर्ण विराम। यह आपका उत्तर कंप्लीट होता है। अगला प्रश्न है, अस्माकम सर्वेशाम जननी का, हमारी सभी की जननी कौन है? तो का के स्थान पर क्या आ जाएगा? भारत माता। और लास्ट में
भारत माता अस्ति। तो पूरा उत्तर होगा आपका अस्माकम सर्वेषां जननी का, तो अस्माकम सर्वेषां जननी भारत माता अस्ति। तो इस प्रकार ये एक पद के और एक वाक्य के प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं। अगला है प्रश्न क्रमांक 3, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। इसका अर्थ है नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए, जिसमें पहला है क, संस्कृत विषय विवेकानंदेन किम कथितम, संस्कृत के विषय में विवेकानंद ने क्या कहा है। तो पहले प्रश्न के अनुसार लिखेंगे हम कि संस्कृत विषय विवेकानंदेन कथितम, यत तो में हलंत डैश लगाएंगे और डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। पेज नंबर 30 पर आप नीचे से देखें तो जहाँ प्रत्युष लिखा हुआ है, प्रत्युषः विवेकानंद उक्तवान ये लिखा हुआ है, और प्रत्युष के नीचे ही आचार्य लिखा है, आचार्य वाली लाइन में देखें विवेकानंद उक्तवान यत, यहाँ से लिखेंगे संस्कृतम अनिवार्यतया शिक्षणीयम, संस्कृतम अनिवार्यतया शिक्षणीयम यतो ही तस्योच्चारण ध्वनिरेव राष्ट्रीय भावम आत्मगौरवम उदात्त भावम च जनयति, किंतु अस्माभिः सर्वैरपि भारतीयैः संस्कृतस्य प्रसारे प्रचारे च प्रयत्नः न क्रियते इति खेदस्य विषयः। और इन्वर्टेड कॉमा बंद करके इति लिखेंगे और पूर्णविराम लगाएंगे। अगला प्रश्न है बेबर महोदयेन संस्कृत विषये किमुक्तम लिखत, बेबर महोदय ने संस्कृत के विषय में क्या कहा है लिखिए। तो प्रश्न के अनुसार उत्तर लिखेंगे हम पहले, बेबर महोदयेन संस्कृत विषये उक्तम यत डैश लगाएंगे, और पेज नंबर 32 पर जो पहला श्लोक है उसी के जस्ट ऊपर वाले पैराग्राफ में जहां आचार्य लिखा हुआ है बेबर महोदयेन कथितम यत, पहले हम प्रश्न के अनुसार लिखेंगे बेबर महोदयेन संस्कृत विषय उक्तम यत, यत के बाद से लिखेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा में, बुक में भी लिखा हुआ है, संप्रति संपूर्णे विश्वे पाणिनी रेव वैयाकरणेषु पूर्णः सर्वमान्यश्चास्ति दर्शने व्याकरणे च प्रामाणिकतायाम उर्वरतायांच भारतीयाः उच्चतम स्थले प्रतिष्ठिताः, डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद करेंगे इति लिखेंगे और पूर्ण विराम लगाएंगे। अगला प्रश्न है एच विल्सन महोदयः संस्कृत विषय किम उक्तवान, एच विल्सन महोदय ने संस्कृत के विषय में क्या कहा है। तो प्रश्न के अनुसार उत्तर लिखेंगे एच विल्सन महोदयः संस्कृत विषय उक्तवान यत डैश लगाएंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। देखिए बच्चों इसी जो पहला श्लोक लिखा है पाठ का वो इसका उत्तर है, मैं इसका अन्वय बोल रही हूँ, आप चाहें तो श्लोक भी लिख सकते हैं और अन्वय लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको जैसा फिर लिखना हो, दोनों उत्तर सही हैं। देखिए मैं अन्वय बोल रही हूँ इसका कि अहम न जाने यत, अहम न जाने यत संस्कृते तत त में हलंत किम माधुर्य मंत्र विद्यते, मैं पूरी लाइन फिर से रिपीट कर रही हूँ, अहम न जाने यत संस्कृते तत किम माधुर्य मंत्र विद्यते येन वयम वैदेशिकाः, वैदेशिकाः में बड़ा का लिखेंगे और विसर्ग लगा लेंगे, येन वयम वैदेशिकाः सर्वदैव समुन्मत्ताः, समुन्मत्ताः में बड़ा ता और विसर्ग लगाएंगे और लास्ट में एव और इसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद करने के बाद इति लिखेंगे और पूर्ण विराम लगाएंगे। इस प्रकार ये उत्तर पूरा होता है और आप चाहें तो श्लोक भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है उचित शब्देन रिक्त स्थानानि रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत, उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है भारतीय एकता खालिस्तान संस्कृतम, ऑप्शन आपकी बुक में दिए हुए हैं तो इसमें क्या आएगा साधकम। अगला है खालिस्तान वैदेशिकः विद्वान अस्ति, तो इस खालिस्तान के स्थान पर क्या आएगा, दोनों ऑप्शन में से मैक्स मूल रहा। अगला है खालिस्तान संपोषकम संस्कृतम, खालिस्तान संपोषकम संस्कृतम इसमें क्या आएगा विश्व बंधुत्व, क्या आएगा इसमें विश्व बंधुत्व। अगला है संस्कृत भाषा प्राचीन अर्वाचीन योर मध्य खालिस्थान अस्ति, तो इसमें क्या आ जाएगा सेतुहु। और अगला और आखिरी है संस्कृत साहित्य मानव जाति ही कृते खालिस्थान अस्ति, और इसमें क्या आ जाएगा अमूल्य धनम। तो इस प्रकार ये पांचों रिक्त स्थान होते हैं। और अगला प्रश्न है यथा योग्यम योजयत, कस्य कहा कथनांशः अस्ति, कौन सा किसका कथन है उससे जोड़ी मिलाना है। तो पहला है संस्कृत में अवश्यमेव शिक्षणीयम, संस्कृत अवश्य सीखना चाहिए, ऐसा किसने कहा था विवेकानंद ने, तो पहला क्या होगा विवेकानंदः। दूसरा है संस्कृत में राष्ट्रभाषा भवितव्या, संस्कृत को ही राष्ट्रभाषा होना
चाहिए, ऐसा किसने कहा था? डॉक्टर संपूर्णानंदः। तो इसकी जोड़ी किससे मिलेगी? डॉक्टर संपूर्णानंदः से। अगला है संस्कृतम भारतीय भाषा वे गंगा नदी इव, संस्कृत भारतीय भाषाओं के लिए गंगा नदी के समान है, यह किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। तो महात्मा गांधी से इसकी जोड़ी मिलाएंगे। अगला है संस्कृत भाषाया सह संस्कृतम शिक्षणीयम, संस्कृत भाषा के साथ मातृभाषा के साथ संस्कृत की शिक्षा भी होना चाहिए या सीखना चाहिए, ऐसा किसने कहा था? मोहम्मद अली छागला ने। तो इसकी जोड़ी मोहम्मद अली छागला से मिलाएंगे। और अंतिम है संस्कृतम विश्व से महत्तमा भाषा अस्ति, संस्कृत विश्व की महत्वपूर्ण भाषा है और इसका किससे मिलान होगा? मैक्स मूलरः से। तो ये जोड़ियाँ समाप्त होती हैं। और अगला है प्रश्न क्रमांक 6, शुद्ध वाक्य नाम समक्षम आम और अशुद्ध वाक्य नाम समक्षम न इति लिखत, शुद्ध वाक्यों के सामने आम और अशुद्ध वाक्यों के सामने न लिखना है। तो पहला है संस्कृतम विश्व से महत्तमा भाषा अस्ति, संस्कृत विश्व की महत्वपूर्ण भाषा है, ये क्या होगा? आम, इसमें लिखेंगे आम। अगला है संस्कृतस्य व्याकरणम सर्वमान्यम न अस्ति, संस्कृत की व्याकरण सर्वमान्य नहीं है, तो ये गलत है, इसलिए क्या आएगा इसमें? न। अगला है संस्कृत भाषायाः अपेक्षया ग्रीक भाषा अधिक पूर्णा वर्तते, संस्कृत भाषा की अपेक्षा ग्रीक भाषा अधिक पूर्ण है, तो यह नहीं है, तो इसमें भी क्या आएगा? न। अगला है संस्कृत माधुर्यम वैदेशिकैः अपि अनुभूतम, संस्कृत की मधुरता को विदेशियों ने भी अनुभूत किया है या अनुभव किया है, तो यह सही है, तो इसमें क्या आएगा? आम। अगला है भारतीय एकतार्थम संस्कृतम आवश्यकम अस्ति, भारतीय एकता के लिए संस्कृत आवश्यक है, तो ये सही है, इसमें भी क्या आएगा? आम। अगला है प्रश्न क्रमांक 7, निम्नलिखित शब्दानाम मूल शब्दम विभक्तिम वचनम च लिखत, निम्नलिखित शब्दों के मूल शब्द विभक्ति और वचन लिखना है, यथा उदाहरण के तौर पर दिया हुआ है विषय, जिसका मूल शब्द विषय है, विभक्ति सप्तमी है और वचन एक वचन है। तो अगला है इसमें पहला संस्कृतस्य, इसका मूल शब्द होगा संस्कृत, विभक्ति होगी षष्ठी और वचन एक वचन। अगला है विचाराणाम, इसका मूल शब्द होगा विचार, बिना किसी चिन्ह के लिखेंगे, विभक्ति होगी षष्ठी और वचन होगा बहुवचन। अगला है सर्वैहि, इसका मूल शब्द होगा सर्व, कोई चिन्ह नहीं लगाएंगे, और विभक्ति होगी तृतीया और वचन हो जाएगा बहुवचन। अगला है प्रचारे, इसका मूल शब्द क्या होगा? प्रचार, और विभक्ति होगी सप्तमी और वचन एक वचन। और अंतिम है राजनेत्रीणाम, तो इसका मूल शब्द होगा राजनेत्री, इसमें देखें त में री ऋषि की, बड़ी री ऋषि की मात्रा लगी हुई है, जब आप मूल शब्द लिखेंगे तो एक ही मात्रा लगाएंगे त में, एक ही घुंडी बनाएंगे गोल, राजनेत्री, और विभक्ति है षष्ठी और बहुवचन कौन सा है? बहुवचन। तो इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 7 होता है ये। और अगला है प्रश्न क्रमांक 8, क्रियापदानाम धातुम लकारम पुरुषम वचनम च लिखत, क्रियापदों के धातु लकार पुरुष और वचन लिखिए। तो उदाहरण के तौर पर यथा दिया हुआ है पठामः, जिसकी धातु है पट, लकार लट लकार, पुरुष उत्तम पुरुष और वचन बहुवचन। तो इस प्रकार इसमें पहला है अवदत, अवदत में वद धातु है, द में हलंत लगाएंगे, लकार लंग लकार होगा, पुरुष प्रथम पुरुष होगा या अन्य पुरुष होगा और वचन एक वचन होगा। अगला है कथयति, कथयति की धातु कथ होगी, थ में हलंत, लकार लट लकार, पुरुष अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष और वचन एक वचन। अगला है जानंती, जानंती की धातु होगी ज्ञा, ज्ञा ज्ञानी का लिखेंगे और इसमें बड़ा की मात्रा लगाएंगे, ज्ञा लकार लट लकार, पुरुष प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष और वचन बहुवचन। अगला है स्थास्यति, में स्था धातु होगी आधा स और बड़ा था, ब्रैकेट में आप तिष्ठ लिख लें, तिष्ठ, त में छोटी की मात्रा, आधा श षटकोण का और ठ ठा में हलन, तो ब्रैकेट बंद कर देंगे। और लकार होगा लृट लकार, भविष्यकाल वाला, और वचन एक वचन, और पुरुष होगा इसका प्रथम पुरुष। अगला है भविष्यन्ति, इसमें भू धातु होगी, ब्रैकेट में भव लिखेंगे, व में हलंत लगाएंगे, लकार लृट लकार होगा वही भविष्यकाल वाला, पुरुष प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष होगा और वचन बहुवचन होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9, अधोलिखित पदानाम संधि विच्छेदम कृत्वा संधि नाम लिखत, नीचे लिखे पदों के संधि विच्छेद करके संधि के नाम लिखना है, जैसे कि उदाहरण में दिया हुआ है विद्यालय, इसका संधि विच्छेद है विद्याधन आलय, दीर्घ स्वर संधि है। अगला है
कथने अपि, कथने अपि का संधि विच्छेद होगा, कथने धन अपि पूर्व रूप स्वर संधि होगी। अगला है स्थास्यतैव, तो इसमें क्या होगा स्थास्यति, देखें प्रश्न क्रमांक 8 में जो क्रियापद दिए हैं उसमें स्थास्यति शब्द लिखा हुआ है, उसको देखकर लिख लें। स्थास्यति धन एव, एव एड़ी का बनाएंगे और व, और संधि कौन सी होगी यण स्वर संधि। अगला है नैके, इसमें न धन एके, छोटा न और एके, संधि कौन सी होगी वृद्धि स्वर संधि। अगला यद्यपि, यद्यपि का कई बार आप लिख चुके हैं, यदि धन अपि यद्यपि और संधि यण स्वर संधि। अगला है प्राचीन अर्वाचीनः, तो लिखेंगे संधि विच्छेद इसका प्राचीन धन अर्वाचीनः, छोटा अ बड़ा वा वतक वाला, और उसमें रा की रेफ लगाएंगे ऊपर, च में बड़ी की मात्रा और न ना में विसर्ग, प्राचीन धन अर्वाचीनः और संधि होगी दीर्घ स्वर संधि। इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 9 पूर्ण होता है। और अंतिम प्रश्न है अव्ययी ही वाक्य निर्माणम कुरुत, तो जैसे कि आप हर पाठ में करते हैं इन शब्दों को देखना और पाठ में से ही आप छोटे छोटे एक एक लाइन के सेंटेंस बनाएंगे, यदि विना यत च औकृते। तो इस प्रकार ये पाठ 7 पूरा होता है। अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर ठीक से समझ में नहीं आया हो तो आप जो ग्रुप बनाए गए हैं वहाँ पर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।